जय हिंद जय शिक्षक साथियों, मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी कि विद्यालय विकास योजना। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक आदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के नाम से पारित किया गया है, जिसमें विद्यालय विकास योजना के निर्माण के बारे में बताया गया है कि विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालयों का सर्वांगीण विकास हो सके। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों व शिक्षकों को ये अधिकार है कि वो अपने प्रयास से विद्यालय को सशक्त और प्रभावशाली बनाए। SDP एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, यानी कि विद्यालय विकास योजना एक ऐसा अभिलेख है जो कि विद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करेगा। इसमें योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए अवसर रहेंगे। विद्यालय द्वारा बच्चों, माता पिता, अभिभावकों व समाज के सभी वर्गों एवं हितधारकों के साथ बच्चों की शिक्षा, विद्यालय विकास सुविधाओं तथा योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन आदि पर चर्चा कर सुझावों को प्राप्त करके इसकी योजना तैयार की जाएगी, यानी कि पूरा प्लान सभी से चर्चा करके तैयार किया जाएगा। इसी क्रम में समस्त परिषदीय विद्यालय 3 वर्ष जो कि 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की विद्यालय विकास योजना का हमें निर्माण करना है और प्रत्येक वर्ष समीक्षा के आधार पर उस प्रक्रिया का अनुसरण करके उसको अपडेट करना है। विद्यालय विकास योजना को निर्मित करने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले राज्य स्तर से विद्यालय विकास योजना का प्रारूप ईमेल के माध्यम से जनपदों को प्रेषित किया गया है। राज्य स्तर से विद्यालय विकास योजना के प्रारूप का डिजिटल कॉपी प्रेरणा पोर्टल पर डाटा एंट्री हेतु अपलोड कर दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का दायित्व होगा कि विद्यालय विकास योजना के प्रारूप हेतु निर्गत धनराशि के लिमिट के प्राप्त होते ही 3 कार्य दिवस के भीतर अथवा 25 फरवरी 2023 तक प्रारूप की फोटोकॉपी कराकर प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, यानी कि प्रधानाध्यापक को 25 फरवरी तक इसका प्रारूप प्राप्त हो जाए। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता का दायित्व होगा कि वह जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करके SDP के प्रारूप व निर्माण प्रक्रिया पर क्षमता संवर्धन कराना सुनिश्चित करें। खंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व यह है कि वह समस्त प्रधानाध्यापकों की बैठक कर विद्यालय विकास योजना के प्रारूप व निर्माण क्रिया पर संवर्धन करना सुनिश्चित करें। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय विकास योजना निर्मित की जाएगी, इसके लिए जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को अपेक्षित सहयोग दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि SDP के नियम अनुसार निर्माण हेतु SMC सदस्यों के साथ बैठक करें और प्रारूप के बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करें और प्रत्येक विकल्पों पर एक मत होकर सही का निशान लगा लें। प्रधानाध्यापक जो विकास योजना बनाई गई है उसको खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिनांक 10 मार्च 2023 तक उपलब्ध करा देंगे और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा करने के उपरांत उसका अनुमोदन किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी जो अनुमोदन कर देंगे उस SDP की डाटा एंट्री प्रेरणा पोर्टल पर ब्लॉक स्तर से 20 मार्च 2023 तक कराना सुनिश्चित की जाए। डाटा एंट्री के बाद SDP की डिजिटल कॉपी की 2 प्रतियों में प्रिंटआउट लेकर दोनों प्रतियाँ विद्यालयवार प्रधानाध्यापक को वितरित करने की जिम्मेदारी खंड शिक्षा अधिकारी की होगी। दोनों प्रतियों पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर कराए जाएं। विद्यालय विकास योजना के हस्ताक्षरित प्रति स्थानीय प्राधिकारी यानी प्रधान को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करने हेतु उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी और दूसरी हस्ताक्षरित प्रति विद्यालय के रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जाए। विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय विकास योजना में दिए गए कार्यों की समीक्षा विद्यालय प्रबंध समिति की बैठकों में की जाएगी। विद्यालय विकास योजना का जो प्रारूप की विशिष्टियां हैं और जो वित्तीय प्रावधान है उसमें इसका प्रारूप कुल 11 पृष्ठों का है। प्रारूप के कुल 11 पृष्ठों की फोटोकॉपी के लिए कुल धनराशि 11 रुपये अनुमन्य है, यानी कि 1 रुपये पर पेज के हिसाब से। प्रारूप के फोटोकॉपी मुद्रण की साइज 11.69 इंच लंबाई और
8.27 इंच चौड़ाई यानी कि A4 साइज पेपर का उपयोग किया जाएगा। SDP की डिजिटल कॉपी के कुल 11 पृष्ठों की 2 प्रतियां यानी कि 22 पृष्ठों के कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेने हेतु कार्ट्रिज रिफिलिंग के लिए प्रति विद्यालय कुल धनराशि 11 रुपये की दर से अनुमन्य है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व है कि विद्यालय विकास योजना के प्रारूप की फोटोकॉपी एवं प्रिंटआउट के लिए राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत धनराशि की लिमिट को खंड शिक्षा अधिकारी के बैंक खातों में 3 कार्य दिवसों के अंदर लिमिट जारी कराना सुनिश्चित करें। उसके बाद इन्होंने जनपदवार विवरण दिया है, यानी कि अब हमें विद्यालय विकास योजना पर कार्य करना है, जिसके अंतर्गत हमें SMC सदस्यों के साथ मीटिंग करके, बैठक आहूत करके और जो भी अभिभावक हैं उनसे चर्चा परिचर्चा करके विद्यालय के विकास के लिए योजना तैयार करनी है। अब ये योजना तैयार करने के लिए विद्यालय विकास योजना का जो प्रारूप है वो इस प्रकार है, आप देख लीजिए। जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, न्याय पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, ग्राम और वार्ड का नाम, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, सारे कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पर आपको ये सब फिल करना है। विद्यालयों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन एवं कार्य योजना के लिए ये पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले भी मिले हैं, संतृप्त है, असंतृप्त है, सारे जो पॉइंट हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं।